हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ मैं Redmi 10 Prime के बारे में। तो ये देखिएगा गाइस, Redmi 10 Prime मेरा जो फोन है वो हो चुका है पैटर्न लॉक। और आज की इस वीडियो में करने वाला था मैं इस फोन के जो पैटर्न लॉक है उसको अनलॉक, कैसे आप Redmi 10 Prime फोन है उसको कर सकते हो अनलॉक। तो गाइस ये हमारे पास Redmi 10 Prime जिसका आज की इस वीडियो में करने वाले हम पैटर्न लॉक है उसको अनलॉक, कि मैं आपको बताने वाला था किस प्रकार से आप इस फोन के जो स्क्रीन लॉक है उसको कर सकते हो अनलॉक। जैसे ही हम इस फोन के अंदर पैटर्न लगाते हैं तो तुरंत ये फोन हो जाता है लॉक। तो आज की वीडियो में इसी टॉपिक पर मैं बात करने वाला था आपसे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि इस फोन को अनलॉक करने के लिए इस फोन की जो पावर है उसको ऑफ करनी है। तो पावर बटन है इसको लॉन्ग प्रेस करना है इस टाइप से, ठीक है, और उसके बाद इस फोन की जो पावर है उसको कर देना हमें ऑफ। जैसे ही इस फोन का पावर ऑफ हो जाता है उसके बाद क्या करना है कि इस फोन का जो पावर बटन और वॉल्यूम अप बटन इन दोनों को इकट्ठा हमें लॉन्ग प्रेस करना है। तो ये दिखेगा, तो पावर बटन और वॉल्यूम अप बटन इन दोनों को इकट्ठा हमें लॉन्ग प्रेस करना है। तो इस टाइप से इसको लॉन्ग प्रेस करेंगे और जैसे ही फोन में वाइब्रेट होके लोगो आता है रेडमी का, उसके बाद इन दोनों को इकट्ठा फ्री कर देना है। और उसके बाद हमारे पास मेन मेन्यू के अंदर रिबूट, वर्क डेटा और सेफ मोड और एमआई असिस्टेंट का जो मोड है वो आ जाता है। तो उसको हमें क्या करना है, तो वॉल्यूम डाउन बटन है उसको प्रेस करना है, उसके बाद पावर बटन है उसको प्रेस करना है, और उसके बाद बैक टू मेन मेन्यू और वॉइप ऑल डेटा हमें करना है, वॉइप ऑल डेटा वॉल्यूम डाउन की हेल्प से। उसके बाद हमें कर देना पावर बटन उसको प्रेस, ठीक है। प्रेस करने के बाद कंफर्म के लिए कहेगा और ये कहेगा कि इस स्टेप से आपके फोन में जो भी डेटा है वो सब हो जाएगा डिलीट। तो उसके बाद हमें कर देना कंफर्म। तो इस टाइप से ये जो है डेटा वो सक्सेसफुली हो जाएगा। उसके बाद हमें प्रेस करने पावर की और उसके बाद करना फोन को रिबूट। रिबूट कैसे करना है, फोन को पावर बटन उसको प्रेस करना है और उसको फिर दोबारा प्रेस करना है और इसके बाद हमारा फोन हो जाएगा रीबूट। और तो गाइस फोन हमारा हो चुका है यहाँ पे स्टार्ट। तो एमआई 12.5 के ऊपर बेस स्मार्टफोन है और कर लेते हैं इसकी जो सेटिंग है उनको कंप्लीट। तो जैसे जैसे मैं करता हूं वैसे वैसे आपको स्टेप इसको फॉलो करना है। यहाँ पे गाइस आपको एक प्रॉब्लम जरूर हो सकती है, या आपका जो एमआई अकाउंट है और एक गूगल अकाउंट है उसका आपको पासवर्ड पता होना चाहिए, तो आप उसके अंदर इसमें लॉगिन कर लीजिएगा। अदरवाइज आपको नहीं पता है तो भी इसका सलूशन है, लिंक यानी कि वीडियो मैंने पहले बनाई हुई है जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से जाके उस वीडियो को जरूर प्ले कीजिएगा। तो इस टाइप से आप अपनी जो सेटिंग्स है उनको स्किप करते हुए चलिएगा। और जो फाइनल सेटअप है वो हो चुका है हमारा कंप्लीट। तो गाइस फोन हो चुका है बिल्कुल स्टार्ट। तो चेक करते हैं कि फोन के ऊपर लॉक लगा या फिर नहीं लगा। तो गाइस देखिएगा फोन के ऊपर फिलहाल कोई भी लॉक नहीं लगा है। तो गाइस मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका फोन अनलॉक हो गया होगा। अगर फिर भी कोई आपको प्रॉब्लम फेस हो रही है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कीजिएगा, साथ में मेरे इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो करके वहां पे भी मेरे को मैसेज कर सकते हो, उसका सलूशन आपको वहां पे भी मैं देने के लिए रेडी रहूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।